निर्गमन अध्याय 31, निवास स्थान के लिए कारीगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बशलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर शव भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहिशामाक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वो बनाए, अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र का संदूक, उस पर का प्राश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान, और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने के दीवट और धूप वेदी, और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत होदी और काटे हुए वस्त्र, और हारून याजक के याजकों वाले काम के पवित्र वस्त्र, और उसके पुत्रों के वस्त्र, और अभिषेक का तेल, और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। सब्बत अर्थात विश्राम दिन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम दोनों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाए। छह दिन तो काम काज किया जाए, पर सातवां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजराइली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि छह दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और सातवें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। थैंक यू।